इन कपड़े के साथ में उसकी जानकारी, कपड़ा बिजनेस की जानकारी, मैडम इसमें कितनी मार्जिन ऐड करनी है, सर आप कैसे कस्टमर को सेल आउट कर सकते हैं, आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं 9 साल से फॉर्म में, डीलर को माल जा रहा है, होलसेलर को माल जा रहा है, मीडिएटर को जा रहा है, जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे माल बेच रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो रिटेलर है अब हमने उनको भी देना शुरू किया। फर्स्ट टाइम साड़ी आपने इस तरह की देखी होगी? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम, और मैं इसको भी वेव कर रही हूँ, क्या इसकी चमक आप देख पा रहे हैं? व्यूअर्स वैसे 100 रुपीज से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बिंग मैन्युफैक्चरर हम क्या करते हैं, एक ही डिजाइन, एक ही कलर, एक ही साइज के 100 पीस बनाते हैं, 200 बनाते हैं, कलर शायद तक नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं आप ये कलर रहने दीजिए, ये वाला है इतने पीस के सेट में से ये हटा के कोई और कलर डिजाइन रखिए, इसका सेट लेकर जाइए। करना भी बताएगी कि किस किस तरीके से कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट आपका बिकता है, किस तरीके से आप उस पर मार्जिन सेट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कैसे आपका हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस व्लॉग के एक और खास वीडियो में। मैं हूँ पर्णिका इंडिया सूरत के अंदर, जो एक फैक्ट्री आउटलेट है। मैम हमारे साथ है, स्वागत करते हैं मैम का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर। मैम नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, वेलकम टू पर्णिका इंडिया। ओके थैंक यू मैम। आज की वीडियो में क्या होने वाला है? सर आज के वीडियो में जो पर्टिकुलर वैरायटीज है ये होने वाली है शोरूम स्पेशल। जी आप बड़े शोरूम में जाते हैं या मॉल में से गुजर रहे होते हैं तो बाहर जो मैनिक्विन के ऊपर खूबसूरत से साड़ियां लगाई होती है, हर एक लेडी के मन में एक बार सवाल रहता है बड़ी खूबसूरत साड़ी बट आउट ऑफ बजट है, कई बार ये चीज होती है। बट अगर मैं कहूँ डोंट वरी, वही माल जो शोरूम में है वैसा ही माल आप घर बैठे बेच सकते हैं। जी तो आप जिनको बेचने वाले हैं उनको शोरूम के अमाउंट नहीं, शोरूम वाली क्वालिटी घर बैठे मिल रही है, वो भी एकदम कम दाम में। सो आपको मार्जिन भी मिल जाती है और आपके कस्टमर को राइट प्रोडक्ट भी मिल जाता है, तो फायदे का वीडियो होने वाला है। सेकेंड थिंग सर, बहुत से लोग के मन में यह सवाल होता है कि मैम ठीक है हमने वीडियो देखा, हमें पर्णिका इंडिया की साड़ी कुर्ती लहंगा चीजें पसंद आई, हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना है, बट कौन सी प्रोसेस है जी? या कैसे कर सकते हैं? एक मन में टेंशन होता है भाई हमारे खून पसीने की कमाई हम लगा रहे हैं, क्या माल मिलेगा जी, सही मिलेगा जी? इन सभी सवालों का जवाब आज क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सैंपल तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेते होंगे, मेरा आज का मेन मकसद है कि आपको टोटली जानकारी दूं, खासतौर पे सूरत की टेक्सटाइल मार्केट को लेकर के, और जहां जहां पर मैं जाता हूं प्रत्येक कंपनी का अलग अलग बेस होता है। मैं पर्णिका इंडिया में हूं, पर्णिका इंडिया का सबसे पहले मैं बेस जानना चाहता हूं कि कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर यहाँ पर आए तो क्यों आए, क्या खास फैसिलिटीज आप सूरत टेक्सटाइल मार्केट से अलग देते हैं। मैं साड़ी के साथ आपको दिखा रही हूँ, पहले तो मैं ये साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ, बिकॉज बातों से अच्छा मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। अब ये एक साड़ी है। अब सर दो टाइप का कपड़ा होता है, पहला कपड़ा जो बेचना पड़ता है कि भाई मैडम आइए लीजिए देखिए अच्छा है, दूसरा कपड़ा है देख के बिक जाता है, मैंने को इनके ऊपर लगाया सैंपल तौर पे लगाया वो बिक गया, अब हमारे पास दूसरी कैटेगरी की चीजें मतलब अपने आप अट्रैक्टिव। सेकेंड थिंग आप हमसे जुड़ते हैं सर, मैम कपड़ा लीजिए मत लीजिए आपकी इच्छा, एक बार सूरत आइए आकर देखिए, हम आपको कपड़ा देते हैं नो डाउट, लेकिन कपड़े के साथ में उसकी जानकारी, कपड़ा बिजनेस की जानकारी, मैडम इसमें कितनी मार्जिन ऐड करनी है, सर आप कैसे कस्टमर को सेल आउट कर सकते हैं, आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं नो डाउट 10 लेडीज आपके पास आएंगी, 10 में से 10 की 10 बार्गेनिंग करेंगी, बिकॉज लेडीज आर गुड एट इट, तो बार्गेनिंग जो गुड एक लेडीज की बार्गेनिंग स्किल अगर अच्छी तो उसको कैसे टैकल करना है जी, बेचना कैसे है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, आप छोटे से गांव देहात में है, गांव देहात से आजू बाजू का आपका कस्बा है या वहां पर कहीं है तो वहां तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं वहां के लोगों के साथ, आप मेट्रो सिटी में है, मेट्रो सिटी में बड़ा कंपटीशन है, वो कंपटीशन से हटके आप ऐसा क्या कर सकते हैं, वो सभी चीजों का आपको यहाँ से सारा गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने ये साड़ी दिखाई है, हाँ? क्या ये साड़ी आपकी कंपनी में बनी हुई है? यस सर, इसका धागा, इसका स्टोन, सीक्वेंस सब यहाँ पर बना है। जब ये हमने बनाई थी तब खाली ब्लैक कलर का धागा था, वो धागे से ये क्रिएशन बनी है और हमारे डिजाइनर सारी डिजाइन। तो लेंथ साड़ी की कितनी होती है आपके? 6 30 का कट, क्वालिटी सारी प्रीमियम। सर शुरुआत में ये कपड़ा नेट का आप देख रहे हैं, अब बहुत सी लेडीज जानते हैं कि नेट का कपड़ा कैसा होता है, एकदम मुलायम होता है। अब मेरे नाखून में भी आप देख सकते हैं, शायद आपको नजर आए थोड़े छोटे हैं लेकिन नुकीले हैं। देखिए सर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, नुकीले हैं मेरे नाखून, तो मैं क्या करूंगी ये इसके अंदर अपने नाखून लगाने की कोशिश करूंगी, ये देखिए जी, मे बी आप आवाज सुन पाए नहीं जी, ये आप देखेंगे मेरे नाखून नुकीले होने के बावजूद इसके धागों में फंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं फंस रहे हैं?
क्योंकि इनकी बनावट मजबूत है, धागे की डेंसिटी होती ना काफी स्ट्रॉन्ग है, रफ एंड टफ आइटम में पहनने के बाद कहीं अटक के नहीं फटेगा, नहीं डेंट नहीं पड़ेगा उसमें, जी, जी, ये गारंटी। चलिए इसके बाद एक देखेंगे, लेडीज लोगों ने शिफॉन का कपड़ा बड़ा पसंद किया है, राइट, डेली वेयर के लिए शिफॉन इज वेरी गुड ऑप्शन, बट लेडीज के फेवरेट फैब्रिक में हम फेस्टिवल कलेक्शन भी बना सकते हैं। तो ये शिफॉन बेस की हैवी मल्टी वर्क साड़ी विद अ टोन टू टोन कलर, हल्का सा जरी का काम, आप इसमें जरी में भी आपको शायद कैमरा में विजिबल ना हो क्योंकि इसका धागा कैसे बनाया पता है जी, एक शिफॉन का धागा एक जरी का, एक शिफॉन का एक जरी का, एक शिफॉन का एक जरी का, ऐसे विप्ड एंड वेप में धागे को ऐसे पिरोया जाता है, जैसे मेरी उंगलियां कैसे मैं ये कर रही हूँ, तो इसके मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, इस तरह से पूरा पिरोया जाता है धागे को। तो ये एक चीज है, पहले हाथों से बनता था आजकल मशीन में बनता है, इसीलिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्लस मिस्टेक की बिल्कुल जीरो चांसेस है, जीरो मिस्टेक होती है। कट एकदम क्लियर 36 का पूरा कट विद ब्लाउज पीस कलेक्शन प्रीमियम फैब्रिक। ये कपड़ा सर बड़े बड़े ब्रांड्स में आपने देखा होगा, ये क्या आपने किसी लोकल दुकान में ऐसा ये फैब्रिक टेक्सचर देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं सर, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को कपड़ा देते हैं, ब्रांड्स इन द सेंस माफी चाहूंगी नाम नहीं बता सकती, आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं सर, एक टैग लगाते हैं पर्टिकुलर, फिर 10% ऑफ करके, 20% ऑफ करके, फेस्टिव सीजन का 50% ऑफ करके इसकी कीमत लगा दी 15,000, 50% ऑफ 7,500 रुपए इसकी कीमत, और लेडीज ले लेते हैं और उसको इसमें ट्रिपल मार्जिन है। सो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें फेस्टिव सीजन स्पेशल बुटीक वाला कलेक्शन चाहिए, नॉर्मल नहीं बुटीक वाला, शादी स्पेशल, तो ये आइटम है। अब एक चीज सर आपको ये इसमें थोड़ा फोकस करवाना चाहती हूँ, हर जगह क्या होता है ये काम सिर्फ बॉर्डर में होता है या पल्लू का इतना पोर्शन कवर होता है, राइट, ठीक है। हमने देखिए यहाँ काम है, यहाँ काम है, पूरी साड़ी में काम है एंडिंग तक जी। पूरी साड़ी एंड कैमरा में ना दोस्तों माफी चाहती हूँ, थोड़ा हल्का सा आपको कलर फेड नजर आ रहा है, जैसे मेरी स्किन कैसी है, मेरी स्किन थोड़ी सी फेडर है, लेकिन कैमरा में आपको हल्का सा डार्क टोन लगेगा क्योंकि यहाँ ना लाइट थोड़ी कम होती है, जैसे गोडाउन एरिया फैक्ट्री एरिया होता है, लाइटिंग कम होने के कारण एज इट इज चीज नहीं नजर आ पाती, इसीलिए आप वीडियो कॉल पे माल चेक कीजिए। सेकेंड थिंग, माल चेक करने के बाद वीडियो कॉल से परचेसिंग करके कपड़ा घर पे पहुंचेगा तब पैसा दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। नेक्स्ट आइटम, एक और चीज, अगेन नेट फैब्रिक, लेडीज का वन ऑफ फेवरेट। अभी कुछ दिनों पहले सर मैंने यही साड़ी का एक वीडियो बनाया था करवा चौथ स्पेशल, सो एक लेडी थी घर से सेल करते हैं कपड़ा, उन्होंने इसके 200 पीसेस मंगाए, उन्होंने अपनी सोसाइटी की लेडीज कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो बेच रहे हैं कपड़ा, तो उनका सारा स्टॉक आउट हो गया करवा चौथ के पहले पहले जी। सो ऐसा प्राइसिंग की बात करें तो मैम सब मेन यही कारण है, व्यूअर कमेंट सेक्शन में भी पूछते कि मैम कीमत नहीं बताया, मेरे लिए सर आसान है, मैंने इसकी कीमत अगर बता दी आपके बजट में होगी आप ले लेंगे, क्योंकि आपके बजट में होने वाली है मुझे आइडिया है, क्योंकि बेच के मार्जिन स्टार्टिंग कहां से हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाता है 299 से। अच्छा, और मैक्सिमम रेट कहां, डिपेंड ऑन द कैटेगरी आप कौन सी ले रहे हैं, ब्राइडल के अलग है, गर्लिश के अलग है, सिंपल डेली वेयर, पार्टी वेयर, सिल्क में अलग है, वर्क में अलग है, सो देयर आर कैटेगरीज। हमारे पास साड़ी भी है, लहंगा भी है, गाउन भी है, कुर्ती भी है। अब ये एक प्रीमियम चीज देखिए, मैं इसीलिए इसको ऐसे वीव कर रही हूँ, शायद आप इसकी चमक देख पा रहे होंगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसकी चमक देख पा रहे हैं। अब सोचिए फोटो शूट है, वीडियो शूट है, उस वक्त ये साड़ी काम आती है, एंड आजकल प्री वेडिंग फोटो शूट होते हैं या फिर ब्राइडल फोटो शूट बहुत सारे होते हैं, तो लेडीज को क्या चाहिए पता है जी। मैं कपड़ा खरीद रही हूँ, मुझे उसमें सुंदर लगना है, बिकॉज आई एम फीमेल, आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, मैं अगर कपड़ा खरीद रही हूँ, मैं पैसे लगा रही हूँ चीजों में जी। तो अच्छे लगने चाहिए जी, और ये हम गारंटी देते हैं जो भी आप अपने कस्टमर को देंगे, क्वालिटी वाला लेटेस्ट डिजाइन, अनकॉमन डिजाइन, ऐसे डिजाइन और किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मार्केट से हटके चीज अगर आपको रखनी है यहाँ पर आइए। नेक्स्ट आइटम, ये कलर भी देखिए कितना प्यारा है, अगेन टोन टू टोन वर्क है इसके ऊपर। वैसे तो सर सिल्क की साड़ियां भी है, प्लीज वीडियो में बने रहे, हम आगे सिल्क भी देखेंगे, कुछ प्रोडक्ट हमने यहाँ सिलेक्ट किए हैं सर। ये तो है एक सैंपल रूम जी, राइट, जैसे आप यहाँ आते हैं तो ये टेबल के ऊपर, आप यहाँ सूरत आते हैं, बनिका इंडिया आते हैं, तो यहाँ से आपको ऐसे ही कपड़ा दिखाया जाता है। गोडाउन एरिया बहुत बड़ा है सर, वहाँ 40,000 से ज्यादा साड़ियां है जी। तो टेक्निकली एक वीडियो में 40,000 साड़ियां देखना पॉसिबल नहीं है, दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप तो देख सकते हैं, आसान तरीका है बताऊं,
नंबर है स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से जाइए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कीजिए, कॉल कीजिए अगर कॉल आप करना चाहते तो, सुबह 10 से शाम के 7 के दरमियान आप कॉल करके रिवर्ट ले सकते हैं और कपड़ा घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बट नोट वन थिंग, सिंगल पीस नहीं, ये वीडियो है सिर्फ होलसेल के लिए। कपड़े का व्यापार करना है सर किसी को, आगे बेचना है, B2B चाहिए, व्यापार करना है, तभी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइटम ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट टाइम साड़ी आपने इस तरह की देखी होगी। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम, और मैं इसको भी वेव कर रही हूँ, क्या इसकी चमक आप देख पा रहे व्यूअर्स सब। अब मैं ये चीज दावे के साथ कहती हूँ, जैसे व्यूअर्स इसको अभी देख रहे हैं ना जी, दोस्तों आपको ये जैसे दिख रही है ना, ये उससे कई गुना ज्यादा चमकने वाली है जी। जैसे मैंने कहा कैमरा में क्या होता है ना, एज इट इज चीज नहीं नजर आ पाती। जैसे आज मेरे चेहरे पर थोड़ी पिंपल्स है, बट आपको शायद प्रॉपर ना नजर आ पाए, मैं थोड़ी ज्यादा गोरी सुंदर लगूंगी। ये आजकल की जो टेक्निक होती है उसमें इंसान थोड़ा सुंदर दिखता है, उसी तरह कपड़ा है, डार्क कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो के बाद आपको, वीडियो देखने के बाद वीडियो कॉल करना है, या सबसे अच्छा फोटोज मंगवा लीजिए। एज इट इज कलर, एज इट इज डिजाइन देखने मिल जाएगी। इसके से इसके अंदर के डायमंड आप देख रहे हैं ना, एक डायमंड 7 कलर में चमकता है, ठीक है। ये रेम्बो डायमंड होता है, मे बी आप इसको देख पा रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके कलर्स दोस्तों देख पा रहे हैं, तो प्लीज हमें एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी चलिए, ये पेडिंग की बहुत खूबसूरत सी साड़ी थी, वन मोर मास्टरपीस हो गया। दिस इज डिसेंट जी, एंड एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम डिसेंट कट बॉर्डर के ऊपर। ये थोड़ा हमारे शादी ब्याह वाला टेस्ट है जी मैम। हाँ, बुटीक वाला, शादी ब्याह वाला, ये वाली वो वेराइटी है। आप मेट्रो सिटीज में है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास ऐसी साड़ी आगे सेल आउट करने का, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने का। वन मोर ब्यूटीफुल पैटर्न जी, हमारी नवाबी साड़ी, आई पर्सनली कॉल इट नवाबी साड़ी, क्यों, ये लखनवी चिकनकारी टेस्ट, टोन टू टोन बेस के ऊपर ये चीज है। अब दोस्तों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारा काम एक ही कलर का है, तो आपको ये प्लेन नजर आए जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा यार लाइट कम है, इसलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये साड़ी प्लेन नहीं है, इसके ऊपर ऐसा टोन टू टोन काम है जो आंखों से दिख सकता है, इसलिए आपको पर्सनली यहाँ आना होगा। आइए देखिए, जानिए परखिए, फिर लेकर जाइए। फैब्रिक कौन सा है मैम? जॉर्जेट, जॉर्जेट का। हाँ, जॉर्जेट मटेरियल है, सही है। जॉर्जेट का तो ज्यादातर मैंने देखा कि काफी हार्ड होता ना, है ये सॉफ्ट, जो 70-72 कहते हैं सर इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, गुजरात की जो टर्म होती है ना, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए एक 70-72 अलग सा तरीका आता है, उससे इसको गुजारा जाता है। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड सर, नॉट जस्ट इंडिया। ओके, आप पूरे दुनिया में कहीं भी रहते हैं जी, हर जगह आप तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। अगर आपको पार्सल कटाफटा मिलता है, कुछ तकलीफ होती है, मिस पार्सल होता है, हम यहाँ से इंश्योरेंस करके भेजते हैं, इसीलिए आपको विद इन अ वाइल आपको कपड़ा मिल जाता है सेम, या अगर कुछ तकलीफ होती है या फिर आपको उसका रिप्लेस करवाया जाता है जी। नेक्स्ट आइटम, ये थोड़ा अगेन शाइनी फैब्रिक रहेगा, सना बेस के ऊपर, इसको सना सिल्क कहते हैं, एंड बहुत वेवी है, कम्फर्टेबल है, एंड इसकी बॉर्डर्स हैवी है, इसलिए ये रनी भी नहीं रहेगा जी, राइट सर। यहाँ पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ी सिल्क की साड़ियाँ मेरी तरफ घुमा दीजिए, तो मैं अपने व्यूअर्स को प्रॉपर दिखा पाऊँ। अब सिल्क की साड़ियों की तरफ बढ़ते हैं, ये एक पहला सिल्क देखिएगा, इसमें 40,000 से ज्यादा कैटेगरीज है, गिनती की हमने 40 साड़ियाँ देखी दोस्तों। और चीजें देखनी है, परचेसिंग करनी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर्सनली पन्नी का इंडिया एक बार जरूर आइए। हर एक तरह का टेस्ट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरे भारत में बिकने वाली साड़ियां हम बनाते हैं। आपको अगर वो साड़ियां ऑर्डर करनी है, बिल्कुल आसान तरीका है, नंबर स्क्रीन पर है, जाइए कॉल कीजिए और वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। मिनिमम 15,000 से 20,000 का ऑर्डर करना होगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेट मंगवा सकते हैं। जैसे अगर 10 पीस का सेट है, आपके मन में है कि मैम ये 10 के 10 कलर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद इसमें जो ब्लैक कलर है एग्जाम्पल के तौर पर, वो शायद मेरे एरिया में ना बिके, चांसेस है, या फिर जो एक कलर है ग्रीन सा कलर है, वो मेरे एरिया में नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं, वो एक कलर हटा के कोई और कलर डाल दीजिए, ऐसे आप एक आध कलर मिक्स मैच कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे ये साड़ी है और इसमें कलर 4 पीस का सेट है, ये एग्जांपल के तौर पे, ये इतने पीस का सेट है। वैसे तो सेट में क्या होता है, सेम कलर सेम डिजाइन होती है, हम एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ये चीज ले रहे हैं, ये एक सेट है, सूरत में सेट वाइज माल बिकता है, क्योंकि हम सेट वाइज बनाते हैं, जैसे ये हमने इसके 100 पीस बनाए, इसके 100 बनाए, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये कलर आपके एरिया में बिक जाएगा,
ये ले लीजिए, ये बिक जाएगा ये ले लीजिए, ये बिक जाएगा ये ले लीजिए। लेकिन आपके मन में हो मैम ये पूरा सेट है, ये पूरे सेट में से बस मेरे एरिया में मुझे ऐसा लगता है कि ये कलर शायद या फिर ये कलर शायद तक नहीं बिकेगा जी, या फिर मैम ये कलर शायद तक नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं आप ये कलर रहने दीजिए, ये वाला है इतने पीस के सेट में से ये हटा के कोई और कलर डिजाइन रख के इसका सेट लेकर जाइए या घर बैठे ऑर्डर कीजिए, ऐसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। वैसे बातें तो सर मुझे बहुत सारी करनी है व्यूअर्स से आपसे, बट एक टाइम लिमिट बिल्कुल देखें, हम भी चाहते हैं कि व्यूअर्स को सिर्फ ये सैंपल ज्यादा ना दिखा करके हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन यदि देते हैं। हाँ। जैसे कि व्यूअर्स को आज के समय विश्वास नहीं हो पाता, सूरत के अंदर इतनी सारी वीडियोस बनने लगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, वीडियो बना करके चला जाता है, गुमराह होते हैं। विश्वास बनाने के लिए पढ़ने का इंडिया उनको किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा कि हम बेहतर है दूसरों से। सर देखिए सबसे ज्यादा भरोसा तो आपको अपने आप पर होगा, ये चीज हम भी समझते हैं, इसीलिए एक काम कीजिए 10 लोगों की बात सुनिए समझिए, लेकिन एट द एंड वही कीजिए जो आपको करना है। आकर देखिए, देखने के पैसे नहीं लगते हैं, समझने के पैसे नहीं लगते हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सूरत आ रहे हैं पढ़ने का, इंडिया एक बार आ जाने के बाद हमसे ही लेना होगा। आइए हमारी टीम से मिलिए, हमारी सेपरेट टीम है बीबीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, वो हमारी टीम यही करती है कि आपको समझाती है। आप हाउस वाइफ है, घर से बेच रहे हैं, तो मैडम हम कैसे बेच सकते हैं? अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ मेरी साइड इनकम बढ़ती रहे क्योंकि जॉब मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, आजकल तो किसी के लिए जॉब सफिशिएंट नहीं है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो महंगाई के चलते आपके मन में कि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हमारी आ जाए, तो हमारे घर परिवार वालों को एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप वो बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं? सोसाइटी में है, सोसाइटी से कैसे ग्रो करें? आप गांव कस्बे में है, गांव कस्बे से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? शोरूम से हम कैसे फ्रेंचाइजी की तरफ में भी जा सकते हैं? तो हमारी टीम एक्चुअली आपको ये सब टेक्निकल चीजें बताती है, अगर आप जो सीखने का पैसा आप देंगे ना वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। जी जी मैम, मैंने देखा है सूरत के अंदर 65 रुपए से 70 रुपए से साड़ी स्टार्ट हो जाती है, आपके पास स्टार्टिंग शायद 650 से है? वो 299 से है। 299 से, तो 299 की कॉटन बेस है या क्या? वो प्रिंटेड साड़ी आती है, हेवी प्रिंटेड साड़ी है, सिल्क में भी है। अब सर ये मे भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे सूरत में ही रहना है, बट स्टिल मैं रिस्क लेती हूँ। वो माल होता है खुबली जी। सूरत में एक टर्म होता है जो मे बी आउट ऑफ सूरत वालों को ना पता हो जी। वो होता है खुबली, यहाँ का एक कोड वर्ड है, दैट मीन्स खुबली मीन्स, आपने कभी देखा है आपके एरिया में एक आदमी आता है जो यूज की हुई साड़ियां मांगता है कि भाई ये ले लो और हमारे बदले से कोई बर्तन ले लो या कोई प्लास्टिक का टब ले लो, ऐसा आपने आपके साथ हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब वो साड़ियां होती है जमा जी, आती है सूरत, उसको एक बार वॉश किया जाता है फिर पैक करके दे दिया जाता है। अब वो एक माल है, दूसरा माल है ये साड़ी है। अब बनाते वक्त एक्स वाई जेड हमसे दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, इसको निकाल देंगे साइड में, तो वो डैमेज माल हो गया, वो डैमेज माल रहा साइड में। या फिर समझिए हमारे 110 का पूरा बंडल बनाया हमने, 110 मीटर का, 6 मीटर की साड़ी है प्रिंट में, अब लास्ट में 4-1 मीटर का कटका हमारा बच गया, कटका में सूरत में कटका में से कपड़ा होता है, 4-1 मीटर का बच गया कपड़ा, तो वो क्या करेंगे, उसको दो कपड़ों को जोड़ देंगे, वो साड़ी हो गई जी। तो वो ऐसा माल होता है। अब हम नहीं चाहते कि हम जिनको कपड़ा बेचे उनको तकलीफ, हम जेन्युइन चीजें बनाते हैं ताकि आप जेन्युइन बेच सके। आप दावे के साथ अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि मैडम कोई तकलीफ आएगी तो वापस ला कर दीजिए, हम बैठे हैं। इस तरह हम आपको जो बताते हैं आप अपने कस्टमर को बताएंगे, अगर हम ही आपको खराब माल बेचे तो कैसे चलेगा? ये एक चीज है, आप अपने यहाँ से लेकर जाए, अपने अकॉर्डिंग छाट के लेकर जाइए, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में क्या चलेगा। बींग बेसिकली आई एम फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली, मैं एक मराठी मुलगी हूँ, मैं मराठी परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं रहती गुजरात में हूँ, मेरे आजू बाजू में गुजराती, मारवाड़ी, जैन ऐसे लोग रहते हैं। अब मैं टेक्निकली अगर बिजनेस करूंगी तो मैं कैसा करूंगी? अगर घर से बेचूंगी तो मैं अपना मराठी टेस्ट बेचूंगी, पैठणी सिल्क साड़ी बेचूंगी, या मैं हमारा ट्रेडिशनल मारवाड़ी टेस्ट वाली साड़ियां बेचूंगी, गुजराती टेस्ट वाला जो कस्टमर मांगेगा भाई, सेम आपको करना है। आपको पता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपका एरिया कैसा है। अब कई लोगों को ये साड़ी पसंद आएगी, कई लोगों को नहीं आएगी, तो जिनको पसंद आएगी इसका मतलब आपके एरिया में ऐसा बिकता है, तो लेकर जाइए। ये सारी चीजें हमें हमारी टीम आपको समझाएगी, इसलिए एक बार आना कंपलसरी है। देखिए ऑनलाइन ऑर्डर तो मिल जाएगा आपकी इच्छा, लेकिन हम अगर सजेस्ट आपको करें कि भगवान ने सबसे अच्छा कैमरा बनाया है आंखें, राइट, खुद आकर देखेंगे पहली बार, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेटर ऑप्शन रहेगा जी। यस।
तो दोस्तों देखिए, मैंने सैंपल दिखाने की कोशिश आपको की और जानकारी देने की कोशिश आपको की। मैं लगातार कई वीडियो पढ़ने का इंडिया की लाऊंगा, प्रोडक्ट दिखाता रहूंगा और जो आपके कमेंट्स द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है उनका जवाब मैं मैम से भी लूंगा। मैम वैसे मैन्युफैक्चरिंग किस किस डिपार्टमेंट में होती है? हमारी होती है साड़ी, कुर्ती, लहंगा, गाउन, जो प्रीमियम चीजें होती है उसमें। तो स्टार्टिंग प्राइस जैसे कुर्ती है कहाँ से हो जाता है? कुर्ती में हमारे यहाँ पर वैसे 100 रुपीज से शुरुआत हो जाती है। अच्छा। क्योंकि बिंग मैन्युफैक्चर हम क्या करते हैं, एक ही डिजाइन, एक ही कलर, एक ही साइज के 100 पीस बनाते हैं, 200 बनाते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर। जी, जी, जी। अब किसी कस्टमर ने समझा हमारे ऐसे ब्रांड में कपड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, क्वांटिटी मांगी जाती है क्योंकि सोशल मीडिया पे बिकता है, वेबसाइट के ऊपर जो माल बिकता है हमारे यहाँ से भी जाता है, तो वहाँ सेम चाहिए। तो हमने क्या किया, उन्होंने 200 पीस का हमें ऑर्डर दिया, हम क्या करेंगे 300 बनाएंगे, 200 उनको दे दिया, 100 हमारे यहाँ इन हाउस आप जैसे भी वर्स लेकर जाएंगे, ऐसा माल बनाते हैं। तो आपका तो सप्लाई भी होता होगा जैसे होलसेलर से वगैरह आते हैं? 40 साल से ये फर्म है, डीलर को माल जा रहा है जी, होलसेलर को माल जा रहा है, मीडिएटर को जा रहा है, जो सोशल मीडिया वेबसाइट पे माल बेच रहे हैं उनको दे रहे हैं, जो रिटेलर है अब हमने उनको भी देना शुरू किया है, या हाउसवाइफ जो घर से बेच रही है या बेचना चाहती है छोटे सिरे से उनको भी माल देना हमने शुरू किया है जी। तो हमारे साथ जैसे लाइट वेट वाली साड़ी होती है 150 या 199 से, उस तरह की साड़ी भी हमारे यहाँ ओवरऑल प्रिंटेड में देखिए 199 से शुरुआत है, बिकॉज मैंने कहा जो चीप क्वालिटी की साड़ी है भाई उनका कट खराब हो या पानी में डालती है उसके धागे छूटने लगे, ऐसी साड़ियां नहीं, या उसमें डैमेज हो, मिसप्रिंट हो, वो कपड़ा नहीं। डेली वेजेस में जो पहनते हैं लेडीज वो साड़ी मिल उसमें भी अच्छा बॉर्डर वाली हो गई, अच्छी बॉर्डर वाली, पतली पल्लो, कॉन्ट्रास्ट, बांधनी, शिफॉन, रेनियल, ऐसे जो फैब्रिक आते हैं ना, टर्बो, विचित्रा, ऐसे कपड़े मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और ये कलेक्शन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैं तो कहता हूँ कि वीडियो कॉल करने में कोई बुराई नहीं है, व्हाट्सएप पर सैंपल मंगाने में कोई बुराई नहीं है, मगर यदि बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि ट्रेंडिंग में आइटम कौन सा है और जानकारी, और उसको बेचना, और बेचने के बाद सबसे पहले जरूरत पड़ती है खरीदारी की, खरीदारी करना कैसे आना चाहिए। तो मैम यहाँ पर बैठी हुई है, आप आइए तो खरीदारी करना भी बताएगी कि किस किस तरीके से कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट आपका बिकता है, किस तरीके से आप उस पर मार्जिन सेट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कैसे आपका हो जाएगा, किस तरह इंश्योरेंस यहाँ पर मिल रहा है। पढ़ने का इंडिया एक फैक्ट्री आउटलेट है, खुद की फैक्ट्री है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। 3 प्रोडक्ट है, कुर्ती, लहंगा और साड़ी, गाउन भी हमारे यहाँ पर। अच्छा, गाउन भी यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये खुद यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और सूरत में बहुत जगह है, सप्लाई भी होता है, इंडिया में बहुत सारे होलसेलर है जो यहाँ से माल लेकर के जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पढ़ने का इंडिया का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा या एक बार मैं तो कहता हूँ विजिट कीजिएगा। 7 दिन ओपन रहता है और 10 बजे से 7-8 बजे तक तो मैम रहते ही, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम के 7 के दरमियान जी। तो आप आ सकते हैं, एक बार विजिट कीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, मुनाफा कमाइए और अपनी लाइफ को सेट कीजिए। तो मैम धन्यवाद आपका, बहुत बहुत इतना अच्छी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी और इतना अच्छा कलेक्शन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।